नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज़। एसपीएन नाइन न्यूज़ में आज बात करेंगे कि हमारे देश में यानी हिंदुस्तान में कौन सा एक ऐसा शहर है जिसको कोरोना वायरस के कारण पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जी हां, कर्नाटक के एक उस कलबुर्गा में उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है कोरोना वायरस के डर से। अब सवाल यहाँ से बहुत सारे हैं कि आखिर उन्हें क्यों बंद कर दिया गया है, उन वहाँ जो तमाम लोग हैं उनका क्या होगा, उनके ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर कोरोना वायरस से जो एक सबसे बड़ा डर है लोगों में कि क्या हमें कोरोना वायरस है या नहीं है, इसका पता आप अपने आप घर पे बैठ के कैसे लगा सकते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर इन तीन से सिर्फ तीन बात मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इन तीनों बातों में से या इन तीनों चीज़ों में से आपके अंदर कोई भी परेशानी नहीं है तो कोरोना वायरस से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एहतियात जरूर रखना है, परहेज़ रखना है लोगों से मिलते वक्त। तो सबसे पहला चीज़ ये है जो तमाम डॉक्टर भी यही समझा रहे हैं, उन्हीं के बातों को सुनकर समझकर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी हमारे एसपीएन न्यूज़ के सदस्य हैं ज़रूर इस वीडियो को देखें और शेयर करें ताकि जिन लोगों को कोरोना वायरस से डर लगता है वो इन वीडियो को देखकर अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको सूखी खांसी हो रही है कि नहीं, सूखी खांसी का मतलब ये नहीं कि अब 24 घंटे में यानी डेली आपको कभी कभार हो जाता है, तीन चार बार तो कोई मसला नहीं है। सूखी खांसी रेगुलर होनी चाहिए, अगर ये आपको होता है तो एक ये टेंशन का घर है। दूसरा है कि आपको फीवर, फीवर मतलब हाई फीवर, अब ये नहीं कि अब जैसे आपको आ जाता था कभी कभार होने, तो डेली का अगर फीवर है तो फिर एक टेंशन है, यानी सूखी खांसी, और दूसरा हुआ आपको फीवर और टेम्परेचर, और तीसरा एक सबसे अहम चीज़ और लास्ट, कोई ज़्यादा नहीं है, और वो ये है कि आप जब सांस लेते हैं तो क्या आपको तकलीफ़ होता है कि नहीं होता है, सांस लेते टाइम आपको जलन होता है कि नहीं होता है, जलन सांस लेते टाइम कभी कभी होता है। तो सिर्फ तीन चीज़, सबसे पहला है कि सूखी खांसी, दूसरा फीवर यानी बुखार, और तीसरा है कि जब आप सांस लेते हैं तो आपको जो है जलन होता है कि नहीं। बाद बाकी आपको छींक है, खांसी है, तो इन चीज़ों से परहेज है, लेकिन इन सब चीज़ों से कोई इशू नहीं है क्योंकि अभी मौसम बदल भी रहा है, मौसम बदलने का टाइम है, तो इन सब वजहों से भी लोगों को होता है तो कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें आपको हैं तो फिर आप फौरन जाके हेल्थ केयर में चेक करवाइए, और बहुत ज़रूरी है कि आप चेक करवाइए, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है और हिम्मत बनाए रखिए कोरोना वायरस से। अब बात करते हैं हम लोग कि कर्नाटक के जो एक शहर को पूरी तरह से यानी कि कलबुर्गा को जो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, अब सवाल यह है कि उन जनताओं का क्या होगा, वहाँ के उन आवामों का क्या होगा जिन लोगों की रोजी रोटी उस शहर से जुड़ी होगी, और सबसे एक अहम बात कि दूसरे राज्यों से जो लोग उस शहर में आके अपने रोजी रोटी कमाते रहे होंगे उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कोरोना वायरस का कहर, इसका डर, इसका खौफ कितना ख़तरनाक है। और आज की खबर, अभी इस वक्त जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तब तक अब भारत में कोरोना वायरस से जो मरीज पाए गए संक्रमित हो चुके हैं वो लगभग 167 के आसपास आ चुका है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कोरोना वायरस से आप क्या करें, आपको घबराने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी जो सरकार, हमारी सरकारें उनसे जो काम करनी चाहिए वो कर रहे हैं। जैसे जैसे कोरोना वायरस के डर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे भारत सरकार उन जगहों को बंद कर रही है जहां पे कोरोना वायरस को के बढ़ने का चांस ज़्यादा है। तो फिलहाल इतना ही एसपीएन नाइन न्यूज़ में, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर इसलिए करें ताकि जो मैंने तरीके बताए हैं शायद जिन लोगों को घबराहट है, परेशानी है कोरोना वायरस को लेकर, ये वीडियो देखने के बाद शायद उन्हें इस घबराहट से दूर कर देगा और परेशानी भी कम होगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि कोरोना वायरस को लेकर जो डर है उससे आपको हिम्मत बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे एसपीएन नाइन न्यूज़। नमस्कार।